नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनोज किचन में। आज हम बनाएंगे करौंदे की चटनी। ये हमने 150 ग्राम के करीब हमने करौंदा ले लिया है, जो कि रेड एंड ग्रीन करौंदा है, जो लाल और हरा करौंदा नहीं आता है, ये वही है। और एक सफ़ेद और लाल करके भी करौंदा आता है, यानी कि वाइट एंड रेड, दोनों का टेस्ट सेम होता है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, करौंदे खट्टे होते हैं, तो आप कोई भी करौंदा ले सकते हैं। तो हमने रेड एंड ग्रीन कलर का करौंदा लिया है, वो भी 150 ग्राम। इसके लिए हम चटनी में और क्या चीज़ डालेंगे, टेस्ट के अनुसार हमने नमक ले लिया है 1 छोटी चम्मच, 1 चुटकी हींग ले लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, ये 8-10 कली लहसुन के हैं, और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती ले लिया है, और ये हमारे पास ग्राइंडर है, इसमें हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम करौंदा डालेंगे, अब इसमें हम ये नमक डाल देंगे, जीरा, सॉरी मैं हरी मिर्ची दिखाना भूल गई थी, ये मैंने 8-10 पीस हरी मिर्ची ले ली है, वो भी छोटे वाली हरी मिर्ची है, आप कोई भी हरी मिर्ची लें, छोटी बड़ी कोई भी चलेगी। तो ये मिर्ची कम तीखी है, इसलिए मैं इतनी सारी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसी मिर्ची हो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो मैं मिर्ची दिखाना भूल गई थी, तो मैं मिर्ची, अब इसमें मैं मिर्ची भी डाल दूँगी, और ये धनिया पत्ती, और ये लहसुन, देख सकते हैं 10 से 11 कली है लहसुन के। अब इसे हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे, ये देख सकते हैं चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब चाहें तो एकदम फाइन पेस्ट इसका बना लीजिए, चाहे थोड़ा सा हल्का दरदरा ही रखिए, ये देख सकते हैं। ये हम पीसते समय इसी चम्मच से, मतलब इस तरीके के चम्मच से, चम्मच तो सबके घर में होता है, मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला था पीसने के लिए। और एक बात और कि अगर आप करौंदे का चाहें तो बीज निकाल के चटनी बनाइए, और चाहे बीज को उसमें रहने दें, ऐसे ही बना लें, दोनों तरीके से करौंदे की चटनी अच्छी लगती है। मैंने जो चटनी बनाई है इस करौंदे की, उसका बीज हमने निकाल दिया था, क्योंकि करौंदे थोड़े कड़े हो गए थे, तो बीज थोड़ी हार्ड थी, इसलिए हम उसका बीज हटा दिए हैं। अगर आप छोटे छोटे से करौंदे लेंगे तो इसके बीज बहुत ही मुलायम होते हैं, वो आप पीस चटनी के साथ पीस सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ओके, चटनी रेडी है, आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सैंडविच के साथ खाइए, पकौड़ों के साथ खाइए, किसी भी चीज़ से खाइए, मतलब कि खाने वाली चीज़ों के साथ, जिसके साथ हम चटनी खाते हैं। तो अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।